इतने पैसे किसी शहर चौराहे पे खड़े हो, इतना डिस्टर्बिंग, इतना शोर कि समझ में नहीं आता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये दोपहिया हॉर्न की आवाज़ है या उस कार की आवाज़ है या उस ट्रक के हॉर्न की आवाज़ है या फिर उस फेरी वाले के चिल्लाने की आवाज़ है। बीच चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति तो टोटली डिस्टर्ब ही हो जाता, इतना शोर। तो चलिए कुछ ऐसे माहौल में चलते हैं जहाँ इस डिस्टर्बेंस का, जहाँ पर थोड़ी शांति। चलिए हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ उस ट्रैफिक के जैसा शोर नहीं, शांति है। लेकिन फिर भी यहाँ हम सुने तो ये नदी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, ये पंछियों की आवाज़, ये पेड़ों के हिलने की आवाज़, ये हवा की आवाज़। मतलब यहाँ पर भी हमको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो ट्रैफिक के जैसा शोर नहीं है पर यहाँ पर भी आवाज़ें हैं। जब हम ट्रैफिक में खड़े थे बच्चों, तब हम शोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और मैंने वहाँ पर कहा था कि बहुत डिस्टर्बेंस है। यहाँ जब हम पानी की आवाज़ सुन रहे हैं, पंछियों के उड़ने की आवाज़ या पंछियों के बोलने की आवाज़ यदि हम सुन रहे हैं, तो यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस ही है। अब आप सोचेंगे ये आवाज़ तो हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर ये डिस्टर्बेंस क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो भी आवाज़ें उत्पन्न हो रही हैं वो कभी भी रुकी हुई अवस्था में उत्पन्न नहीं होती। जब किसी वस्तु में कंपन किया जाता है या उसको डिस्टर्ब किया जाता है या यूँ कहो कि विक्षोभ किया जाता है, तभी आवाज़ें उत्पन्न होती हैं। हमने ट्रैफिक में देखा कि फेरी वाला चिल्ला रहा है, मतलब वहाँ पे कंपन हो रहा है। किस चीज़ का? उसके जीप का, उसके होठों के द्वारा ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, उसके गले में जो वोकल कॉर्ड है उसके कारण ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है। वैसे जब हम हॉर्न की बात करें तो हॉर्न में भी जो स्पीकर रहता है उसका पर्दा हिलता है और उसके कारण ही वहाँ पर भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यहाँ हम पानी को देखें तो एक बाल्टी में भरा हुआ पानी कभी भी आवाज़ नहीं करता। यदि आप मग्गे में, एक बाल्टी में, एक बर्तन में पानी रख दें और उसे सुनने की कोशिश करें तो वो आपको कभी भी सुनाई नहीं देता। लेकिन उसी शांत पानी में यदि आप एक कंकड़ डाल दें तब आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ जब पानी बह रहा है मतलब उसमें डिस्टर्बेंस है, पानी शांत नहीं है, वो रुका नहीं है, वो बह रहा है, उसमें उथल पुथल है, उसमें विक्षोभ है और वही विक्षोभ ही ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। यदि पक्षियों को देखें, एक पक्षी चुपचाप बैठा है तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। यदि पक्षी अपने पंखों को फैलाता है यानी कि उसके पंख में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है तभी उसमें से आवाज़ निकल रही है। यदि वो बोलता है तो उसके चोंच को हिलाता है, जीभ को हिलाता है, उसके कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि ध्वनि विक्षोभ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा का रूप ही है, ऐसी ऊर्जा जिसके कारण हम सुन पाते हैं। कभी इस विक्षोभ से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जब हमारे कानों में पहुंचती है तो हमें वो मधुर लगती है और कभी इसी विक्षोभ से ही उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो हमें शोर लगती है। मतलब ये ध्वनि के अलग अलग रूप हैं, जिसको कभी हम मधुर कहते हैं, कभी उसको हम शोर कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं जब किसी भी वस्तु में, किसी भी माध्यम में जब विक्षोभ होता है तो उस विक्षोभ के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। तो बच्चों चलो हम कुछ चीज़ों से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपके पास स्केल है, इस स्केल को यदि हम टेबल पे एक साइड दबा के रख दें, दूसरा वाला हिस्सा फ्री रखें ताकि उस टेबल के कॉर्नर पे मूव कर सके, और यदि इसको हम हिलाते हैं तो आप सुनेंगे कि इस स्केल में से भी आवाज़ उत्पन्न हो रही है। बच्चों आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है? अपने
ढोलक या तबला देखा है? उसमें भी ऊपर चमड़े की चादर होती है। जब उसको थाप दिया जाता है, बजाया जाता है, तो वो भी हिलने लगती है। उसके कंपन की वजह से ही उस ढोलक के तबले में आवाज उत्पन्न होती है। वैसे ही वीणा, गिटार, जो कि तार की सहायता से बजाए जाते हैं, हम देखते हैं कि वो तार जब कसे हुए रहते हैं और उसको हिलाया जाए, उसमें कंपन कराया जाए, तो उसमें से आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु के तार को दो हुक के बीच में कसकर बांधिए। ध्यान दें कि तार में मोड़ ना हो। दूसरा, अपनी उंगली से छूकर उसे कंपित कराएं। क्या आपको ध्वनि सुनाई दी? और यही तार जब ढीले पड़ जाते हैं और जब उसको हिलाते हम, तो उसमें से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कुछ अलग ही होती है। यानी कि कंपन जिस प्रकार से होगा, ध्वनि भी उसी प्रकार से उत्पन्न होगी। यदि आप अपने कान को टेस्ट करवाने के लिए ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट जिसको हम कहते हैं, कान के डॉक्टर के पास यदि हम जाते हैं, तो एक रबर पैड लेता है और एक यू आकार का धातु का बना हुआ टूल रहता है, उसको रबर के पैड से टकराता है और टकराने के बाद हम देखते हैं कि वो यू आकार का फोक जो होता है वो कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और उसके बाद वो उस कंपन करते हुए ट्यूनिंग फोक को आपकी कान के पास लाते हैं और उसकी सहायता से वो पता लगाते हैं कि आपके सुनने की क्षमता कितनी है, आपके कान सही है या आपके कान में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो इस प्रकार हम जब भी ध्वनि की बात करें तो हमें वस्तु या माध्यम कंपन करते हुए नजर आते हैं। तो बच्चों, इन उदाहरणों में आपने देखा कि जब किसी वस्तु में कंपन करवाया जाता है तब उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। पर यह ध्वनि हमारे कानों तक किस प्रकार पहुंचती है? बच्चों, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ध्वनि जब माध्यम में गमन करती है तो वो कितनी तीव्रता से गमन करती है ये निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्था पर, प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। बच्चों, आपने इलास्टिक को देखा है, जब हम इलास्टिक को खींचते हैं तो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है और जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं वो वापस अपनी अवस्था में आने का प्रयास करता है और यूं कहो कि वापस अपने आकार आकृति को प्राप्त कर लेता है। जब तक हमने उस पर बल लगाया तब तक उसके आकार और आकृति में परिवर्तन रहा, जैसे ही बल को हटाया उसने वापस अपने आकार या आकृति को ग्रहण कर लिया। और वस्तु का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है, जिसके आधार पर वो बल लगाने से अपने आकार आकृति में परिवर्तन करता है लेकिन बल के हटते ही वो वापस अपने आकार और आकृति को ग्रहण कर लेता है। और किसी भी माध्यम की प्रत्यास्था के आधार पर ही हम ध्वनि की गति की तीव्रता जान सकते हैं। जैसे कि ठोस की बात करें, ठोस में कणों का घनत्व अधिक होता है, द्रव में कम होता है और गैस में और भी कम। यानी कि ठोस में हम देखें तो कण एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके पास जगह ही नहीं रहती, वो एक दूसरे से बहुत ही पास पास की स्थिति में होते हैं। और जिस प्रकार हमने आगे चर्चा की कि ध्वनि एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा के संचरण के लिए कण यदि पास पास होते हैं तो इनका संचरण आसानी से हो जाता है। जब हम द्रव की बात करें तो इसमें कण दूर दूर होते हैं, इसलिए ऊर्जा का संचरण यहाँ पर आसानी से नहीं हो पाता। और जब हम गैस की बात करें तो कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसलिए ऊर्जा का संचरण यानी कि ध्वनि का संचरण इसमें सबसे कम होता है। तो इस प्रकार किसी भी माध्यम की प्रत्यास्था यह डिसाइड करती है कि उसमें ध्वनि का वेग कैसा होगा। यदि प्रत्यास्थ हुआ माध्यम तो ध्वनि का वेग अधिक होगा, क्योंकि यह ऊर्जा आसानी से कणों की सहायता से आगे ट्रांसफर हो सकती है। और यदि ये कण अपनी जगह से हिलते हैं तो वापस अपनी जगह पर पुनः आने का प्रयास करते हैं, और यूं कहें तो ये वापस अपनी जगह पर फिर से आ जाते हैं।
इसलिए दोबारा इसमें विक्षोभ उत्पन्न किया जा सकता है और उन्हें फिर से डिस्टर्ब किया जा सकता है, जिससे कि ध्वनि आसानी से गति कर सके और इस प्रकार ध्वनि आगे की ओर स्थानांतरित होती है। जब हम कहते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे जो कण हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं या अपनी जगह पर ही कंपन करते हैं, यहाँ से कण स्थानांतरित नहीं हो जाते। यदि ध्वनि किसी तार के एक छोर से चलना शुरू करती है और दूसरे छोर तक पहुँचती है, इसका मतलब ये नहीं कि तार के पूरे कण एक छोर से दूसरे छोर चले जाते हैं, यहाँ केवल ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जो तार में मौजूद कण हैं वो अपनी जगह पर ही कंपन करते हैं और कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं और इस प्रकार जो दूसरा कण था वो फिर कंपन करना शुरू करता है और अपनी ऊर्जा फिर अपने बगल वाले कण को दे देता है और इस प्रकार ऊर्जा का संचरण होता है जबकि कण अपने ही जगह पर कंपन करते हैं। और यदि माध्यम प्रत्यास्थ है तो ये कण कंपन करते हुए वापस अपनी स्थिति पे आ जाते हैं, फिर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, फिर कंपन करते हैं, अपनी ऊर्जा अपने बगल वाले कण को देते हैं और वापस अपनी स्थिति पर आ जाते हैं और इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और ध्वनि का स्थानांतरण हो जाता है, या यूं कहें कि ध्वनि ऊर्जा अपने वेग से आगे बढ़ जाती है। अब तीनों ही माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। बच्चों, आपने एक उदाहरण देखा होगा कि दूर से ट्रेन आ रही है तो हमको हवा में उस ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन यदि हम पटरी पर कान लगाकर सुनते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है पटरी पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा गैस है और गैस की प्रत्यास्था कम होती है, इसलिए यहाँ पर ध्वनि का वेग भी कम होगा। जबकि हम ठोस की बात करें तो ठोस की प्रत्यास्था अधिक होती है और इसीलिए यहाँ पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। अब अलग अलग धातुओं की भी प्रत्यास्था अलग अलग होती है, मतलब हम ठोसों की बात करें तो ठोस में भी अलग अलग प्रकार के ठोस हमले तो उनकी प्रत्यास्था भी अलग अलग होगी। जैसे धातु की प्रत्यास्था, जैसे कि स्टील यदि हम लेते हैं तो उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है और इसीलिए स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। जबकि वहीं हम रबर लें तो रबर की प्रत्यास्था कम होती है स्टील की तुलना में। तो यदि रबर से हम ध्वनि को सुनने का प्रयास करें तो उसका वेग स्टील की तुलना में कम होगा। बच्चों, ध्वनि के वेग में जो माध्यम का प्रभाव है उसको समझने के लिए आओ हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करें। आपके पास माचिस के खाली कवर बचे होंगे तो आप दो कवर ले लीजिए और उन दोनों कवर्स को यानी कि खाली डब्बों को आप एक धागे की सहायता से बांध दीजिए। आप दो लोग दूर दूर खड़े हो जाइए, अपने साथी को अपने साथ ले लीजिए, आप दोनों एक डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए और धीरे से कुछ बोलने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपका साथी उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है। अब आपने जो माचिस के खड्डों से उसके बॉक्स से जो एक छोटा सा उपकरण बनाया है सुनने के लिए, जो कि एक टेलीफोन की तरह काम करेगा, उसको लेते हैं। एक माचिस का कवर आप अपने एक साथी को पकड़ा दीजिए और दूसरा आप पकड़िए। अब उतने ही धीमे से अब वही बात बोलने की कोशिश करिए जो आप पहले बोल रहे थे और आपका साथी नहीं सुन पा रहा था। अब आप देखेंगे कि अब जब आप मैच बॉक्स में बोलेंगे, उस माचिस के कवर में आप बोलेंगे, तो आपका साथी उसको सुन पाएगा, कंपन सुन पाएगा। अगर स्पष्ट ना भी सुन पाए तो ये तो समझ में आएगा कि कुछ बोला जा रहा है, वो ध्वनि उसके कान तक पहुंच जाएगी। तो ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अब ध्वनि ट्रैवल कर रही है ठोस से। जब आप दूर खड़े थे और धीरे से बोलने का प्रयास कर रहे थे तो वायु में ध्वनि का वेग इतना नहीं था कि उसके कानों तक पहुंच सके, लेकिन जब आप ठोस में बोलने का प्रयास किए तब ध्वनि उस ठोस के जरिए गमन करते हुए उसके कानों तक पहुंच गए। अब आप सोचिए कि अंतरिक्ष में जब वैज्ञानिक जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स वहां पहुंचते हैं, तो वो आपस में किस प्रकार बात करते होंगे? क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात है, वहां वायु नहीं है, तो वो किस प्रकार बात करते होंगे?
हम जानते हैं बच्चों, अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, वहां पर वायु तक नहीं है। तो जब हम बोलने का प्रयास करते हैं, यानी कि जब हम अपने वोकल कॉर्ड से ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं अपने जीभ की सहायता से, अपने होठों की सहायता से, तो वो कंपन दूसरे व्यक्ति के कान तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहां पर कोई माध्यम ही नहीं है। तो कण वहां पर कंपन करेंगे ही नहीं, और जब कण कंपन नहीं करेंगे तो वो हमारे कान के ईयर ड्रम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वैज्ञानिक वहां पर बात ही नहीं करते। वैज्ञानिक वहां पर कम्युनिकेट करने के लिए इशारों का सहायता लेते हैं या फिर लिख लिख के बातें करते हैं। बच्चों, जब हम बात करते हैं या फिर जब हम ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, तो माध्यम में जो कण कंपन कर रहे हैं वो कण कंपन करते हुए हमारे कानों तक पहुंचते हैं, और हमारे कान में होता है ईयर ड्रम यानी कि पर्दा। उस पर्दे को वो कण डिस्टर्ब करते हैं, और जब वो पर्दा वाइब्रेट होता है यानी कि कंपन करता है, तब हमको वो ध्वनि सुनाई देती है। लकड़ी की मेज के एक सिरे के पास अपना कान लगाएं। अपने मित्र को मेज के दूसरे सिरे पर धीरे से ठोकने या खटखटाने को कहें। क्या आपको ध्वनि सुनाई दी? ध्वनि आप तक किस माध्यम से पहुंची? ध्वनि और माध्यम। अब तक हमने पढ़ा कि ध्वनि संचरण माध्यमों के घनत्व पर निर्भर करता है। सोचो, यदि माध्यम ही ना हो तो क्या ध्वनि हम तक पहुंचेगी? यह जांचने के लिए ये प्रयोग किया गया। प्रयोग चित्र क्रमांक 6 में एक विद्युत घंटी और कांच का एक बेल जार लिया गया। घंटी को बेल जार में लटकाकर बेल जार को निर्वात पंप से जोड़ा गया। घंटी के स्विच को दबाने पर उसकी आवाज सुनाई दी। जब निर्वात पंप से बेल जार की वायु को धीरे धीरे बाहर निकाला गया, तब घंटी की ध्वनि धीमी पड़ने लगी। यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, जब बेल जार की समस्त वायु निकाल दी गई तो घंटी की ध्वनि बंद हो गई। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती, अर्थात ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती, क्योंकि निर्वात में संपीड़न तथा विरलन के लिए कण उपस्थित नहीं होते। सोचें, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने पर क्या वहां अंतरिक्ष यात्री बात कर पाएंगे? कारण दीजिए। बच्चों, ध्वनि एक ऊर्जा है जो किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में संचरित होती है, यानी कि तरंगों के रूप में ही ये आगे बढ़ती है। और जिन तरंगों को संचरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। चाहे वो माध्यम कोई भी हो, ठोस, द्रव या गैस। बच्चों, जब यांत्रिक तरंग किसी माध्यम में गमन करता है तो उसके कणों में कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन के आधार पर ही हम यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटते हैं। यानी कि यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। जब कंपन की दिशा इस तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश हो, मतलब उसी दिशा में कण कंपन कर रहे हैं जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है, तो इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जब कण इस प्रकार कंपन करते हैं कि उनकी कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, तो इस प्रकार के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। बच्चों, देखिए, मेरे पास प्लास्टिक की ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की सहायता से हम अनुदैर्ध्य तरंग को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम इस स्प्रिंग को इस तरीके से फैला देते हैं, और उसके बाद मैं अपने दाहिने हाथ से इसे धक्का देती हूँ। देखिए, हमें जो
जो कंपन प्राप्त हो रहा है वह कंपन सघन और विरल रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहा है। ये जो तरंगे हमें इस क्रिया में प्राप्त हो रही हैं, उन्हें ही हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि आगे पीछे धक्का देने और खींचने पर स्लिंकी में लगा चिन्ह भी विस्थापन के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में गति करता है। इस प्रकार की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है, अर्थात वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंगों का संचरण भी इसी प्रकार होता है, अतः ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब इस कंपन की दिशा को समझने के लिए हम एक स्प्रिंग की सहायता लेते हैं। मान लीजिए यह एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्यास्थ है। हम देखते हैं कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस आने का प्रयास करती है, जब दबाते हैं तो वापस अपने आकार में आने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार जब स्प्रिंग पे बल लगता है तो उसके आकार आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही बल हटाते हैं तो वापस वो अपने आकार आकृति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए हमने स्प्रिंग को ऐसा रखा है, अब स्प्रिंग को हम एक धक्का लगाते हैं, यानी कि स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं। तो अब देखेंगे कि स्प्रिंग में कहीं पर घनत्व आपको ज़्यादा दिखेगा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। इस प्रकार ये जो आपने बल लगाया है वो आगे की ओर बढ़ता है। और इसी प्रकार ध्वनि ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। जब ऊर्जा दी जाती है या फिर कंपन प्रोड्यूस होता है, जब हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो इसी प्रकार कण एक दूसरे के ऊपर बल लगाते जाते हैं। जब कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करना शुरू करते हैं तो जब दो कण पास पास आएंगे तो वहाँ पर घनत्व बढ़ जाएगा, जब कंपन करते हुए दूर जाएंगे तो वहाँ पर घनत्व कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक कण जो है वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन कर रहा है, और यदि हम दो लगातार कणों को देखें तो कंपन करते हुए ऐसी स्थिति आती है कि कभी वो पास भी आते हैं, कभी एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं। जब वो पास पास आते हैं तो वहाँ पर घनत्व बढ़ जाता है, जब दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर घनत्व कम हो जाता है। और इस प्रकार यदि हम अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो हमने धक्का भी इसी ओर लगाया था, यानी कि ध्वनि के संचरण की दिशा भी यही है, और कण भी हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार ही कंपन कर रहे हैं, यानी जिस दिशा में ध्वनि गमन कर रही है उसी दिशा में ही इस माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है, और ध्वनि में भी इसी प्रकार का ही कंपन होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जिनमें माध्यमों में कणों के कंपन की दिशा ध्वनि के संचरण की दिशा के अनुदिशी है, उसी दिशा में ही कंपन होता है। और आपने देखा कि कहीं पे घनत्व अधिक है और कहीं पे घनत्व कम है, तो अधिक घनत्व वाले जगह को हम कहते हैं संपीड़न, यानी कि कंप्रेशन, और कम घनत्व वाले जगह को हम कहते हैं विरलन, यानी कि रेयरफैक्शन। तो इस प्रकार ध्वनि तरंग कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के माध्यम से किसी भी माध्यम में आगे की ओर बढ़ता है, और यही ध्वनि तरंग के गमन का रूप है। जब हम ध्वनि तरंगों को दर्शाते हैं, यानी कि उसके कंपन को दर्शाते हैं या इस तरंग को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, तो हम इस प्रकार ध्वनि तरंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का बनना। पहला, एक स्लिंकी स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लें। दूसरा, स्लिंकी के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे को ऊपर नीचे हिलाएं। इस क्रिया में बनी तरंग क्या अनुदैर्ध्य तरंगों से अलग है? स्लिंकी को ऊपर नीचे हिलाने पर कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होता है। इस क्रिया में बनी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अर्थात वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन या कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। अब हम स्प्रिंग में दूसरे प्रकार का संचरण देखेंगे,
मान लीजिए इस स्प्रिंग को मैं ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करती हूँ, तो आप देखेंगे कि एक तरंग इसमें भी उत्पन्न हो रही है। विक्षोभ हमने एक ओर किया, एक साइड तो स्प्रिंग को हम बांध के रख दिए, हमने दूसरे साइड से विक्षोभ उत्पन्न किया। अब हम देख रहे हैं कि विक्षोभ ऊपर और नीचे की ओर होता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो कण कंपन कर रहे हैं एक माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे कंपन कर रहे हैं। माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन हो रहा है, पर ये कंपन इस संचरण की दिशा के लंबवत है, और इस प्रकार के तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंपन दोनों ओर हो रहा है, लेकिन कंपन की दिशा इस संचरण की दिशा के, या जिस दिशा में आपने विक्षोभ उत्पन्न किया उसकी दिशा, यानी कि कंपन की दिशा इस तरंग के गमन की दिशा के लंबवत है। तो इस प्रकार का तरंग कहलाता है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। बच्चों, ट्रांसवर्स वेव को, अनुप्रस्थ तरंगों को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अप एंड डाउन नजर आ रहे हैं। जो अप है यानी कि ऊंचाई आपको दिख रही है इस ग्राफ में, इस चित्र में, उसे हम कहते हैं श्रृंग, और जो न्यूनतम आपको दिख रहा है यानी कि गहराई दिख रही है उसको हम कहते हैं गर्त। तो जो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, वो श्रृंग और गर्त के माध्यम से किसी भी माध्यम में आगे की ओर बढ़ता है।